क्षेत्र या झुंझुनू की धरती है या किसान और जवान की धरती है। आपने सुनाया ये ऐसे भामाशाहों की धरती है जिन्होंने झुंझुनू की मिट्टी से जाकर के देश दुनिया में अपना नाम कमाया है। उन्होंने अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से, इसका यह है कि यह झुंझुनू की धरती हमेशा अपनी मेहनत और परिश्रम पर चलती है। यह दुनिया में आप सब लोगों ने करके दिखाया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यहां का जवान हमारा सरहद पर भारत मां की रक्षा कर रहा है, हमारा किसान यह धरती का सीना चीर करके हमारे देश की 140 करोड़ जनता को पेट पालने का काम कर रहा है। मैं यही नहीं, यहां की अगर मैं शिक्षा क्षेत्र की बात करूं तो शिक्षा क्षेत्र में भी अलग पहचान आप लोगों ने बनाई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि समय आ गया है और मैं कुछ ध्यान आपको दिलाना चाहता हूं और मित्रों में ध्यान यह दिलाना चाहता हूं कि यह झुंझुनू की धरती एक बात तो निश्चित मान लीजिए कि कोई भी काम आप करते हैं सोच समझ के विचार करके करते हैं और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप इतने लंबे समय से चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं अपनी भागीदारी भी निभा रहे हैं लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों आप इस देश और प्रदेश के मालिक हो। मालिक को सोचना पड़ता है कि मुझे मेरे निर्णय लेने से पहले क्या करना होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कोई भी सामान लेने दुकान पर जाते हैं आप बड़ी देखभाल करके लाते हैं, बड़ी समझदारी से लाते हैं, चार बार उसको देखते हैं। अरे हमारी माता बहनें भी अगर एक मटका लेने के लिए जाती हैं, तो उसको चार बार ठोक करके बजा करके देखती हैं, कहीं इसमें कोई सुराग तो नहीं है। अरे मैं आपसे वो ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब आप अपने देश और प्रदेश की सरकार बनाने जाते हैं, अपना एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, किस पार्टी को चुनना चाहते हैं, ये आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? अरे मेरे को बता, आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो हमेशा जातिवाद की बात करते हैं, तुष्टिकरण की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर सही माने में मैं कहना चाहूं तो अगर इस देश को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार में ढकेला है तो इस कांग्रेस ने ढकेला है, कांग्रेस ने ढकेला है। अरे कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। यह चुनाव आता है, यह जातिवाद धर्मवाद की बात करती है, यह तुष्टिकरण की बात करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताइए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, क्या उन्होंने कभी जाति और धर्म पूछा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, क्या किसान सम्मान निधि जाति और धर्म के आधार पर मिलती है? मैं आप बताइए, जाति धर्म के आधार पर मिलती है? क्या खाद्य सुरक्षा जाति आधार पर मिलती है या किसानों को बिजली के कनेक्शन मिलते हैं क्या जाति के आधार पर मिलते हैं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कम देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, 8 करोड़ जनता के लिए काम। मैंने विधानसभा के अंदर कहा, मेरे उन विपक्ष के लोगों से कहा कि आप, मैंने बजट दिया है, एक भी 200 विधानसभा में से कोई भी अगर ये कह दे कि 200 विधानसभा में जहां आवश्यकता थी वो बजट नहीं दिया है, हम इसलिए काम नहीं करते हैं, कांग्रेस करती है कि जहां उनका विधायक होता है तो मां
पैसा देते हैं, बजट देते हैं और दूसरे दल का होता है तो वहां पैसा नहीं देते। हमने विधानसभा के अंदर कहा, हमने किसी को भी भेदभाव नहीं किया, 200 विधानसभाओं में जो जनता ने चाहा और हमारे संकल्प पत्र में जो वायदा किया वो बजट हमने 200 विधानसभा के अंदर दिया है।